मुख्यमंत्री की टीम आज आ सकती है वृंदावन, 15 दिन में देनी है ये रिपोर्ट। मथुरा के वृंदावन में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती के समय भगदड़ से दो श्रद्धालुओं की मौत हो गई। जिस वक्त ठाकुर बांके बिहारी मंदिर प्रांगण में ये हादसा हुआ, उस वक्त जनपद के 3 बड़े अधिकारी DM, SSP और नगर आयुक्त मंदिर की ऊपरी मंजिल पर मौजूद थे। इस घटना को लेकर मंदिर के सेवायत लगातार सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रकरण की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी है। ये कमेटी आज वृंदावन आ सकती है। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में हुए हादसे के बाद मुख्यमंत्री द्वारा गठित की गई जांच टीम सोमवार को वृंदावन आ सकती है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व DGP सुलखान सिंह की अध्यक्षता में टीम गठित की है, जिसमें शामिल सदस्य अलीगढ़ के कमिश्नर गौरव दयाल वृंदावन बांके बिहारी मंदिर आकर जांच कर सकते हैं। जांच समिति 15 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती के दौरान भगदड़ से हुई दो श्रद्धालुओं की मौत के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर रविवार की देर शाम प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी मिल मंत्री चौधरी लक्ष्मीनारायण घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने मौके का निरीक्षण कर वहां के सेवायतों से मामले की पूरी जानकारी ली। हादसा कैसे हुआ, CCTV फुटेज भी देखे, कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण करके देखा कि किस तरह से पूरे मंदिर परिसर की निगरानी की जा सकती है। उन्होंने कहा कि श्री बांके बिहारी मंदिर के लिए जल्द ही कॉरिडोर बनेगा और एक साथ 60,000 से 70,000 श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। यमुना से लेकर श्री बांके बिहारी मंदिर तक काशी विश्वनाथ से भी बड़ा कॉरिडोर बनाने की सरकारी योजना है। माना कि बिहारी जी का आंगन काफी छोटा है, गोस्वामियों व प्रशासन के सुझाव पर आंगन की क्षमता करीब 5,000 श्रद्धालु एक साथ दर्शन करने को होगी। इस संदर्भ में प्रदेश के मुख्यमंत्री से कैबिनेट बैठक में 2 बार बात भी हो चुकी है। गोस्वामियों व प्रशासनिक स्तर पर वार्ता करके पूरी मामले की जानकारी CM योगी को सुझाव के साथ देंगे। उन्होंने कहा कि इस बार जन्माष्टमी पर यहां करीब 50,00,000 श्रद्धालु आए हैं। उन्होंने माना कि घटना के वक्त मौके पर DM नवनीत सिंह चहल व SSP अभिषेक यादव समेत अन्य अधिकारी थे, फिर भी हादसा कैसे हुआ इसकी जांच सरकार द्वारा गठित कमेटी करेगी।